आज की बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां गुरुवार को एंटी करप्शन टीम ने खनन अधिकारी कार्यालय से एक संविदा कर्मी बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जबकि बाबू शाहरुख के पकड़े जाने के बाद खनन अधिकारी राहुल सिंह मौके से फरार हो गया। मिट्टी डालने की अनुमति देने के नाम पर खनन अधिकारी राहुल सिंह ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में 2,20,000 में सेटिंग हुई थी। लेकिन मोहम्मद रफी ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में कर दी थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर अब एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। 2019 में भर्ती हुआ संविदा कर्मी बाबू शाहरुख आशा ने इतनी काली कमाई की कि वह हाईवे किनारे करोड़ों रुपए की जमीन का भी मालिक बन बैठा। अब एंटी करप्शन टीम का कहना है कि बाबू और अधिकारी दोनों की संपत्ति की जांच की जाएगी। मुंडा पांडे की भूजपुर आशा निवासी मोहम्मद रफी ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण निदेशालय लखनऊ से मिट्टी डलवाने के ठेके की अनुमति ली थी। निदेशालय ने स्थानीय स्तर पर लेटर जारी करने का आदेश जारी किया था। लखनऊ से परमिशन मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने खनन अधिकारी राहुल सिंह से परमिशन लेटर देने को कहा। 5 जुलाई को राहुल सिंह ने रफी को संविदा कर्मचारी शाहरुख से मिलने को कहा है। तभी से एंटी करप्शन विभाग ने जिलाधिकारी के संज्ञान मिलाकर एक टीम का गठन किया था। एंटी करप्शन टीम ने संविदा कर्मी बाबू शाहरुख को टैप करना शुरू कर दिया। गुरुवार को एंटी करप्शन ने 20,000 की घूस लेते उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम आरोपी शाहरुख पाशा को सिविल लाइन्स थाने में ले गई। एंटी करप्शन की टीम ने शाहरुख और खनन अधिकारी राहुल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। खनन कार्यालय में बाबू बनने के बाद नंबर 2 की कमाई थे से उसने अमरोहा में हाईवे के किनारे जमीन भी खरीदी थी, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि खनन अधिकारी और संविदा कर्मी की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। सर, टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई फिर से की गई है, क्या है वो पूरा मामला? हमारे यहाँ शिकायतकर्ता मोहम्मद रफी आए थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारा खनन का काम है और खनन में हम पूर्ण रूप से मेरा सारा काम हो चुका है, लखनऊ से सब पास करा चुके हैं, हम अपने कार में बिल्कुल फिट है। फिर भी हमसे जो है रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की गई और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। इसके बावजूद भी मुझसे रिश्वत की मांग की जा रही है। होते करते फिर ये जो है 2 लाख पे आ गए। फिर ये हुआ कि 2,20,000 और ये हुआ कि आज 20,000 रुपया शाहरुख ने कहा कि 20,000 दे दें, 2 लाख बाद में दे देंगे। इसमें राहुल भी शामिल है। राहुल ने कहा कि शाहरुख जो कहेंगे वही होगा। इसका मतलब दोनों की संलिप्तता रही और शाहरुख जो है 20,000 रुपया आज शिकायतकर्ता से लिया और उनको रंगे हाथ हमारी टीम ने गिरफ्तार किया। ये खनन ऑफिस में शाहरुख किस पद पर है? ये लिपिक के पद पे है। राहुल सर क्या है? राहुल है कोई खनन अधिकारी है। राहुल खनन अधिकारी है जो सारा काम देखते हैं। अभी दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है थाना कोतवाली में, सिविल लाइन में, और इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी और इनको कल बरेली न्यायालय में रिमांड पे भेजा जाएगा। आज पुलिस कस्टडी में है शाहरुख। सर, एविडेंस के तौर पर रंगे हाथ तो पकड़ने के अलावा भी जो पीड़ित ने आपसे बात की है, कुछ और भी खास रहा है? नहीं, अब जो है देखिए, जो कलेक्ट किया जाएगा वो तो एविडेंस का मामला होता है और इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो अब इन्वेस्टिगेशन एकदम तो हो नहीं जाती है, आज अभी ही तो पकड़े गए हैं, परंतु वो तो बातचीत से ही पता चल रहा है कि दोनों उसमें लिप्त हैं। तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं के कहने पर डिमांड की गई? हाँ, उन्हीं के कहने पर, राहुल के कहने पर जो डिमांड की गई है। और राहुल भी इसमें लिप्त हैं। शाहरुख ने तो पैसा लिया ही था, वो तो रंगे हाथ पकड़े गए, 20,000 लिए हुए। मोहम्मद रफी नाम है मेरा। क्या मामला है आज यहाँ? ये मैं मिट्टी की परमिशन करा रहा था तो मुझसे जो है पैसे मांगे गए। लगभग मेरी परमिशन जो है 3/7/8 को पर्यावरण निदेशालय से ईसी जारी हुई। मैं साहब के धोरा आया, साहब बोले शाहरुख से बात करो, शाहरुख जो है इनका बाबू है। तो उनने जो है पहले 3 लाख की मांग करी, फिर 2.5 पे आ गया, फिर 2 पे हम खनन अधिकारी के पास जा रहे हैं तो बोले शाहरुख जो कह रहा वो करो, ना तो परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने साहब हम पे तो लखनऊ से पर्यावरण निदेशालय से परमिशन है। तो आज मैं जो है बोले पहले मुझे 20 चाहिए, ये बोला शाहरुख। कितने? 20,000 चाहिए और 2 साहब के ताई चाहिए। तो मनी मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं जो है इनके एफटी करप्शन वालों के यहाँ चला गया और मैंने जो है अपनी परेशानी बताई। मन की मुझे परमिशन भी नहीं दे रहे और डीएम साहब को बदनाम कर रहा,
डीएम साहब ने हालांकि मेरी परमिशन पर साइन कर दी है 23 तारीख हुई, मगर ये डिमांड पर डिमांड करे जा रहा। मैंने जो है ये 20,000 रुपये दे कर इसे पकड़वा दिया। अच्छा, के नाम पर किसके नाम? हाँ, हमारे पास वीडियो है। क्या बोला? क्या कह रहे थे? बोले डीएम कार्यालय में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे पैसे। तो मन की भाई ये इतने छोटे पैसे कहीं नहीं आते हैं, मन की तो परमिशन दे दे, क्यों परेशान कर रहा है? बहुत दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए परेशान करते करते, मन फिर डेट निकल जाएगी। तो बोले कोई परमिशन नहीं है, जाओ जब तक पैसा नहीं लाओगे। तो फिर मैंने आज ही से 20,000 रुपये दे के पकड़वा दिया। मनी मेरे पास ही है। अधिकारी के नाम पे पैसे दिए हैं या डीएम साहब के नाम पे पैसे? ना, खनन अधिकारी के, खनन अधिकारी के कहने पर। ये कौन है जिसको पकड़वाया है? ये उनका बाबू है। क्या नाम है उनका? शाहरुख पासा। ये बाबू, उनका नाम क्या है? बाबू किसका है? अरे खनन अधिकारी के। उनका नाम क्या है? ये संविदा राहुल सिंह है या फिर? हाँ, संविदा पे है, संविदा जो कहते हैं लखनऊ से, उस पे है ये। आपका खनन का पट्टा हुआ था? ना ना, मिट्टी का परमिशन होती है। हाँ, कितने के लिए, कितने दिन के लिए हुई थी? ये 3 महीने की होती है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद रफी मेरा नाम है, ग्राम मिलक भूजपुर आसा, थाना मुंडा पांडे का रहने वाला हूँ मैं। वहीं की परमिशन है? हाँ, वहीं की परमिशन है, सरसखेड़े गाँव की।